अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 20 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 20 का नाम है न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशंस हम उन रेडिएशंस को कहते हैं जो न्यूक्लियर से निकलते हैं या किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान एमिट आउट होते हैं। जैसे न्यूक्लियर रेडिएशंस में हमारे पास गामा रेज आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, बीटा रेज आते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी प्रोटॉन आते हैं, तो ये सारे न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं। न्यूक्लियर रेडिएशंस को हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी कहते हैं, क्योंकि जो कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो आयोनाइज करता है किसी भी सब्सटेंस को। सब्सटेंस को आयोनाइज करना मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल्स। तो आप सब जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल 1/10 स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ये जो अल्फा रेज होता है इसमें दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। दीज आर कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेज को हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं, क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई में भी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन देखे जाते हैं। दीज हैव डबल पॉजिटिव चार्जेस। अल्फा रेज के पास डबल पॉजिटिव चार्जेस हैं क्योंकि इसके पास दो प्रोटॉन्स हैं। These performs ionization by electrostatic attraction. आप देखें, ये अगर समझें कोई एटम है तो ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर किसी एटम पे आप अल्फा रेज को फायर करेंगे तो अल्फा रेज के पास डबल पॉजिटिव चार्ज है और वो ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसको नॉकआउट कर सकता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन। तो अल्फा रेज जो है दो तरीकों से आयनाइजेशन कर सकता है, एक डायरेक्ट कोलिजन से और एक इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन की वजह से। मोस्टली जो अल्फा रेज आयनाइजेशन करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन से करते हैं। दीज परफॉर्म्स आयोनाइजेशन बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन। दीज हैव हाई आयोनाइजेशन पावर ड्यू टू डबल पॉजिटिव चार्ज एंड हैवी मास। अगर डायरेक्ट कोलिजन की हम बात करेंगे तो हैवी मास, अगर हम इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन की बात करेंगे तो डबल पॉजिटिव चार्ज। याद रहे सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा रेज का है, क्योंकि अल्फा रेज के पास डबल पॉजिटिव चार्ज है और इसका मास भी ज़्यादा है। अच्छा, अगर आप अल्फा रेज को रोकना चाहते हैं, अल्फा रेज का पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम है, अल्फा रेज का पेनिट्रेशन पावर हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे कम है, तो अगर आप अल्फा रेज को रोकना चाहते हैं तो मेटल शीट आपके पास होनी चाहिए, उससे आप अल्फा रेज को रोक सकते हैं। सो मेटल शीट मे बिहेव एज अ गुड शील्ड अगेंस्ट दी अल्फा रेज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? इट्स मास इज 1/4, ये क्वेश्चन एनटीएस में आ चुका है। तो प्रोटॉन जो है इसका मास जो है वो 1/4 है और इसकी चार्ज 1/2 है अल्फा रेज पे, क्योंकि अल्फा रेज पे डबल पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम उसको हाफ करेंगे तो वहां से प्रोटॉन की चार्ज निकल आएगी और इसका मास 1/4 है। अब ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरीके से अल्फा रेज आयोनाइजेशन करती है उस तरीके से प्रोटॉन भी आयोनाइजेशन करता है, यानी अल्फा रेज का और प्रोटॉन का आयोनाइजेशन मैकेनिज्म सेम है। दोनों का जो आयोनाइजेशन मैकेनिज्म है वो है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स अट्रैक्शन। इट प्रोड्यूस आयोनाइजेशन बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन। इट्स आयोनाइजेशन पावर इज 1/5 ऑफ अल्फा रेज। इसका जो आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा रेज के हिसाब से कम है। रीजन ये है कि इस पे चार्ज जो है वो हाफ है, इसलिए हम कहते हैं इसका आयोनाइजेशन पावर जो है वो 1/5 है। इसके बाद आप देखें बीटा रेज, ठीक है। तो बीटा रेज को हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, और इनकी जो स्पीड होती है वो 1/5 स्पीड ऑफ लाइट होती है। इट प्रोड्यूस आयोनाइजेशन बाय इलेक्ट्रोस्टेटिक्स रिपल्जन। इनकी जो आयोनाइजेशन होगी वो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स रिपल्जन से होगी और इसका जो आयोनाइजेशन पावर होगा वो कम होगा। इट्स आयोनाइजेशन पावर इज लो बट पेनिट्रेशन पावर इज हाई। अगर आप बीटा रेज को कंपेयर करवाएंगे प्रोटॉन के साथ, या अगर आप बीटा रेज को कंपेयर करवाएंगे प्रोटॉन के साथ, तो हम कहेंगे कि प्रोटॉन का जो आयोनाइजेशन पावर है वो कम है और बीटा रेज का जो बीटा रेज का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है।
अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गामा रेस। गामा रेस क्या है? दीज आर वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो गामा रेज के है, और गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम यानी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये गामा रेज जो होते हैं ये तब इमिट होते हैं जब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है। तो जब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें से ये रेडिएशन इमिट होते हैं। सो दीज आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लाई ऑफ रेडियोएक्टिव एटम। दीज अकंपनीड विथ इमिशन ऑफ बीटा रेज और अल्फा रेज। मैंने आपको लेक्चर में बताया है चैप्टर नंबर 19 में कि जब कोई भी न्यूक्लियाई अल्फा रेज इमिट करेगा या बीटा रेज इमिट करेगा तो उसके फौरन बाद वो गामा रेज इमिट करता है। अच्छा, ये जो गामा रेज है वो तीन तरीकों से आयोनाइजेशन परफॉर्म करता है। एक तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करता है, ये अपनी पूरी एनर्जी शेयर करता है, शेयर्स इट्स होल एनर्जी, यानी ये सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है। यानी समझें ये मेटल सरफेस है, जब हम इन पे गामा रेज इंसिडेंट करवाएंगे तो ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। तो हम इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक होता है क्वांटम इफेक्ट। इस क्वांटम इफेक्ट में ये थोड़ी सी एनर्जी शेयर करता है, शेयर्स ओनली पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी, ये थोड़ी सी एनर्जी शेयर करेगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। एक प्रोसेस होता है जब गामा रेज किसी हेवी न्यूक्लियस पे पड़ता है तो गामा रेज जो है वो इनहेलिएट हो जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनता है। तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी का मटीरियलाइजेशन हो गया, यानी हमें एनर्जी से मैटर मिल गया। सो याद रखिएगा कि जब गामा रेज किसी हेवी न्यूक्लियस से उसका गुजर होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तीन तरीके हैं जिससे गामा रेज जो हैं आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप गामा रेज को अगर आप रोकना चाहते हैं तो आप एक ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्वांटिटी में होंगे। तो हम कहते हैं कि लीड इज अ गुड शील्ड अगेंस्ट गामा रेज बिकॉज इट इज रिच इन द इलेक्ट्रॉन। तो आप लीड से गामा रेज को शील्ड कर सकते हैं क्योंकि गामा रेज जो हैं क्योंकि शील्ड के पास जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब आप देखें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? तो दीज हैव नो चार्जेस, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, एंड इट्स मास इज नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, और इसका मास तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। इट्स आयोनाइजेशन पावर इज लो, सबसे जो कम से कम आयोनाइजेशन पावर है ना वो प्रोटॉन का है, वो सॉरी न्यूट्रॉन का है। ये इसलिए है क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है तो ये सिर्फ डायरेक्ट कोलिजन से ही कर सकता है, पर डायरेक्ट कोलिजन कम होती है, इस वजह से इनका पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे कम है, और सॉरी इनका आयोनाइजेशन पावर जो है वो सबसे कम है। इट पेनिट्रेट, अच्छा इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं है। सो दीज कैन बी स्टॉप्ड बाय कंक्रीट वॉल। अगर आप न्यूट्रॉन को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लंबी एक मोटी सी कंक्रीट वॉल बनानी पड़ेगी क्योंकि इनका पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा है। अब ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें से हम आयोनाइजेशन पावर और पेनिट्रेशन पावर कंपेयर करवाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा रेज का है, अल्फा रेज के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद बीटा रेज, बीटा रेज के बाद गामा रेज, और गामा रेज के बाद न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का आयोनाइजेशन पावर सबसे कम है। अगर आप पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर न्यूट्रॉन को है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, फिर गामा रेज है, फिर बीटा रेज है, फिर प्रोटॉन है, और फिर अल्फा रेज है, यानी अल्फा रेज का पेनिट्रेशन पावर जो है वो सबसे कम है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसको नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। देखिए, अगर हम पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं मौजूद हैं, तो पार्टिकल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं आयोनाइजेशन पार्टिकल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं आयोनाइजेशन पावर के हिसाब से।
क्योंकि आपको पता है कि हर पार्टिकल, हर आयोनाइजिंग पार्टिकल आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, तो उसकी बेसिस पे हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर एक डिवाइस है, जिसमें से हम आयोनाइजेशन ट्रैक्स डिटरमिन करते हैं आयोनाइजेशन पार्टिकल्स के। तो मैंने लिखा इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेकिंग द आयोनाइजेशन पाथ ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है ये कैसे काम करता है? ये सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन पे काम करता है। ये देखा गया है कि सुपर सेचूरेटेड जो ये वेपर्स होते हैं वो जल्दी कंडेंस हो जाते हैं अगर उनमें कोई आयोनाइजेशन पार्टिकल का गुजर होता है। तो लिखा है इट वर्क्स ऑन द फैक्ट दैट सुपर सेचूरेटेड पार्टिकल्स कंडेंस मोर क्विकली इन प्रेजेंस ऑफ आयंस। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम सुपर सेचूरेटेड वेपर्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ये जो आपका मटेरियल देख रहे हैं, हमने अल्कोहल रखा है और ऊपर हमने एयर रखा है। अब ये अल्कोहल के पार्टिकल्स जो हैं ये एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को, ये पिस्टन है, इस पिस्टन को ऊपर मूव करवाएंगे और फिर ऊपर मूव करवाने से हम ऑल ऑफ सडन एक्सपेंशन करेंगे, यानी हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन करेंगे। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ये जो सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन बन गई है या सुपर सेचूरेटेड जो वेपर्स बन गए हैं ये कंडेंस होंगे और ये वहाँ पर ज़्यादा कंडेंस होंगे जहाँ से पार्टिकल्स का गुजर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक विंडो हमने बनाई है, यहाँ से हम रेडिएशन को पास करेंगे और यहाँ से हम लाइट इंसिडेंट करवाएंगे और ऊपर जो है कैमरा लगा हुआ है। तो जैसे ही ये आयोनाइज पार्टिकल घूमेंगे तो फिर जहाँ से आयोनाइज पार्टिकल्स का गुजर होगा वो जो मतलब पोर्शन है, वो जो पाथ है वो जल्दी जो है वो कंडेंस हो जाएगा। तो अगर आपके पास अल्फा रेज होंगे तो अल्फा रेज का क्योंकि आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है तो अल्फा रेज में थिक कंटिन्यूस लाइन बनेगी, और अगर आपके पास बीटा रेज हैं तो बीटा रेज का आयोनाइजेशन पावर जो है वो कम है तो उस केस में थिन ब्रोकन लाइन बनेगी। ठीक है ना, अल्फा रेज में थिक कंटिन्यूस लाइन बनेगी क्योंकि उसका आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है, और बीटा रेज में जो है थिन और ब्रोकन लाइन बनेगी क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पावर कम है। और आपको पता है गामा का तो आयोनाइजेशन पावर वैसे भी कम है, तो इसमें आपको जो है स्क्रेटेड जो है डॉट्स नजर आएंगे, तो ये आपको पाथ भी आपसे पूछ सकते हैं टेस्ट में। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जीगर काउंटर। ये जो जीगर काउंटर है ये एक डिवाइस है जो हमें काउंट करके बताती है कि यहाँ पे कितने रेडिएशंस थे। सो इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस विच इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ आयोनाइजेशन पार्टिकल्स और रेडिएशन। ये इस फैक्ट पे काम करता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ट्यूब पड़ा हुआ है और इसमें हमारी एयर है यानी गैसेज हैं, या समझिए गैस है इसमें पड़ी। तो आपको पता है गैस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, पर अगर इस केस में आयोनाइजिंग पार्टिकल्स आ जाते हैं तो एकदम से जो है कंडक्शन शुरू हो जाती है, और जैसे ही कंडक्शन शुरू होगी इसमें करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे हमने कोई लाउड स्पीकर या कोई काउंटर लगा दिया है जो इसको काउंट करेगा कि कितने रेडिएशंस का यहाँ पे गुजर हुआ है। इसके बाद है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। अब सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में एक फोटो डायोड हम यूज़ करते हैं, ये फोटो डायोड हमेशा रिवर्स ब्यास में चलता है। तो जब ये फोटो डायोड है और इस फोटो डायोड के जंक्शन के अक्रॉस जब रेडिएशन पड़ते हैं तो इनमें से जो है करंट फ्लो होता है, और इसी तरीके से हमने इसमें कोई काउंटर लगा दिया है, अगर इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेंगे तो रेडिएशन पड़ने से इसमें कंडक्टिविटी हो जाएगी यानी सर्किट में करंट फ्लो हो जाएगा और हमारा काउंटर जो है इसको नोट करेगा। अगर आप सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को जीगर काउंटर से कंपेयर करवाना चाहेंगे तो जीगर काउंटर को चलने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को चलने के लिए कम वोल्टेज चाहिए, तो ये इसका एडवांटेजेस है। अब हम कहते हैं रेडिएशन एक्सपोजर। देखें, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी अर्थ में जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आते हैं जो हमारे सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो हम रेडिएशन फेस करते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होते हैं वो सन के रेडिएशंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वो होते हैं जिनकी यानी आप कह सकते हैं कि जिनकी जो है जिनकी फ्रीक्वेंसी या एनर्जी
जो है वो ठीक है वायलेट से ज्यादा होती है पर एक्सरे से कम होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये मोस्टली ओजोन लेयर से ब्लॉक हो जाते हैं, ओजोन लेयर इनको डिप्लीट कर देता है। पर आजकल क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर के साथ भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री की वजह से, इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज जो है हम तक आ रहे हैं और ये हमारे टिश्यूज वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, बहरहाल एक डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो उसके बाद हम कहते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशंस भी होते हैं। कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होते हैं, तो कुछ रेडिएशन स्पेस से भी आ रहे होते हैं और इसी तरीके से हम कहते हैं कि भाई जैसे हम मेडिकल पर्पसेस के लिए एक्सरेज वगैरह करवाते हैं तो वो एक्सरेज भी हमारी बॉडी पे डैमेजेस कर सकते हैं, पर एक सर्टेन रेडिएशन का जो डोज है वो हम ठीक है बर्दाश्त कर सकते हैं, पर अगर मोर फ्रीक्वेंटली अगर हमें ये डोज मिलता रहेगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन डैमेजेस। तो रेडिएशन कौन कौन सी डैमेजेस कर सकते हैं, तो रेडिएशन डैमेज इसलिए करता है कि हर रेडिएशन के पास आयोनाइजेशन पावर है और वो हमारे सेल को आयोनाइजेशन करते हैं। सेल में जब आयोनाइजेशन होगी तो सेल हमारा डिस्ट्रॉय होगा बॉडी का। तो रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, या कैंसर हो सकता है सिंपली, या रेडिएशन सिकनेस हो सकती है। तो ये तीन डिजीज जो हैं वो रेडिएशन की वजह से हो सकती है। ल्यूकेमिया जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं, या सिंपली कैंसर, कैंसर का मतलब यही होता है कि डिफेक्टिव सेल हमारी बॉडी में बनते हैं, या रेडिएशन सिकनेस यानी हमारी बॉडी के जो हेयर्स हैं वो लॉस हो सकते हैं। तो ये तीन किस्म के इश्यूज हो सकते हैं रेडिएशन डैमेजेस की वजह से। अच्छा, ये जो रेडिएशंस होते हैं सिर्फ इनका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। हम इन रेडिएशंस को मेडिकल में मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज भी करते हैं। मोस्टली हम रेडिएशन को एज अ ट्रेसर यूज करते हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि भाई हमारा थायराइड ग्लैंड सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें आयोडीन डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर हम आयोडीन को यूज करते हैं तो हम थायराइड ग्लैंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी अगर थायराइड ग्लैंड को देखना चाहते हैं तो उसमें हम ट्रेसर यूज करते हैं आयोडीन। इस तरीके से हमारे जो बोन होते हैं उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तो अगर हम बोन को देखना चाहते हैं, उनके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, तो हम कैल्शियम का ट्रेसर यूज कर सकते हैं। अगर हम ब्लड फ्लो को देखना चाहते हैं, रेट ऑफ ब्लड फ्लो को देखना चाहते हैं, तो इसमें हम सोडियम का ट्रेसर यूज कर सकते हैं। अगर हम लिवर को देखना चाहते हैं तो उसमें हम कोबाल्ट का ट्रेसर यूज कर सकते हैं। तो ये रेडिएशन के कुछ बायोलॉजिकल यूजेस हैं। इसी तरीके से हम कैंसर की ट्रीटमेंट में भी रेडिएशन यूज कर सकते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट दो तरीके से होती है, एक होती है एक्सटर्नल थेरापी, एक होती है इंटरनल थेरापी। एक्सटर्नल थेरापी का मतलब होता है कि जहाँ पे हमें इश्यू होता है हम वहाँ पे रेडिएशंस नहीं बल्कि एक मशीन में डाल के और हम उस पेशेंट को जो है वो रोटेट करवाते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल थेरापी। और एक्सटर्नल थेरापी जो होती है उसमें हम गामा रेज यूज करते हैं कोबाल्ट के, और दूसरी होती है इंटरनल थेरापी, यानी सपोज करें अगर थायराइड ग्लैंड का इशू है तो हम उसमें क्या करते हैं कि आयोडीन जो होते हैं, आयोडीन की इंजेक्शन जो है वो हम पेशेंट को दे देते हैं, तो वो कहलाती है इंटरनल थेरापी। ठीक है, तो इंटरनल थेरापी में हम आयोडीन वगैरह के गामा रेज यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे भी यूजेस हैं बहुत सारे, एक है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में भी ये जो है हम कहते हैं कि रेज जो हैं वो अपने यूज होते हैं। उसके बाद है स्टरलाइजेशन एंड फूड प्रिजर्वेशन। अब देखें, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है सपोज हमारे पास मेडिकल टूल्स हैं, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑपरेशन में जो यूज़ होते हैं, तो जैसे ही ऑपरेशन होता है तो अब हम उनको स्टरलाइज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। ये जो रेडिएशन्स होते हैं ये जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देते हैं और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो जर्म से फ्री हो जाते हैं। इसी तरीके से फूड प्रिजर्व
ऑब्जर्वेशन, अगर हम किसी फूड को स्पॉइल होने नहीं देना चाहते, हम किसी भी फूड को कुछ सालों के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हम उसके ऊपर जो है रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं। तो रेडिएशन क्या करते हैं कि वो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको उनको जो है किल कर देते हैं। इस तरीके से गेजिंग और कंट्रोल में भी ये यूज़ हो सकते हैं, रेडियोग्राफी में भी यूज़ हो सकता है। रेडियोग्राफी एक स्टडी होती है या एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्सरेज के थ्रू देखते हैं कि इसमें यानी पोरोसिटी तो नहीं है, इसमें केविटी तो नहीं है, तो ये सारा कुछ हम रेडियोग्राफी में देखते हैं। उसके बाद आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी यानी अगर हम किसी भी बॉडी की स्टडी करना चाहते हैं कि ये कितने साल पुरानी है, तो उस स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। और इसमें मोस्ट यूज होता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में हम क्या करते हैं, कार्बन का आइसोटोप है C6 और 14, ये कार्बन का हम आइसोटोप यूज करके, जैसे इसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको हाफ लाइफ टाइम भी बताया था, 5760 ईयर्स होता है, तो इसकी मदद से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्पेसीमैन है ये कितने साल जो है वो पुराना है। तो इस स्टडी को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग है कन्फर्मेशन ऑफ एज, कन्फर्मेशन ऑफ एज बाय यूजिंग C14 को यूज करते हुए हम किसी भी स्पेसिमेन की एज कंफर्म कर सकते हैं, इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। उसके बाद है एक्टिवेशन एनालिसिस। देखें, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसा हमारे पास मिक्सचर होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती है। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होती है तो फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एटम्स होते हैं वेरियस एलिमेंट्स के, वो हम किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में डालकर और उन पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं। जब हम उन पे न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं तो अब वो रेडियोएक्टिव हो जाते हैं, यानी अब वो इमिशंस करेंगे और फिर वो बीटा इमिशंस करते हैं, और बीटा इमिशन के बाद आपको पता है कि गामा इमिशन होती है, फिर उन गामा इमिशंस की हम एनर्जी को चेकआउट करते हैं कि भाई इनकी एनर्जी कितनी है, फिर उस हिसाब से जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इसमें ये जो है एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस सारी स्टडी को हम कहते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो इट इज़ अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ मिक्सचर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जब मिक्सचर के पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो उनको एनालिसिस करने के लिए हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर नंबर 20 जो है वो एंड हो गया। अब हम इस पे कुछ MCQs करेंगे और फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, आप ये कुछ MCQs देख लेते हैं चैप्टर नंबर 20 पे, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियर रेडिएशन। तो न्यूक्लियर रेडिएशन कौन सा नहीं है, एक्सरेज न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, क्योंकि ये एटम से निकलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल हुज मास इज 1/4 एंड चार्ज इज 1/2 ऑफ द अल्फा इज नोन एज। तो हम इसको कहते हैं प्रोटॉन, ये पास्ट पेपर में भी आ चुका है। Which of the following has high ionization power? तो high ionization power किसका है, alpha particle का। Which of the following has same ionization mechanism? तो same ionization mechanism alpha rays का और proton का है। Neutron has high penetration power and low ionization. तो low ionization neutron के पास इसलिए होती है क्योंकि इसके पास charge नहीं होता, और हाई आयोनाइजेशन हाई पेनिट्रेशन पावर भी इस वजह से होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, डैश इज अ डिवाइस फॉर मेकिंग विजिबल पाथ ऑफ आयोनाइजेशन पार्टिकल। इसको हम कहते हैं विल्सन क्लाउड चैम्बर। इन विल्सन क्लाउड चैम्बर द अल्फा पार्टिकल से, तो अल्फा रेज के पास थिक एंड कंटिन्यूस लाइन होगी क्योंकि इसके आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर शील्ड फॉर गामा रेज। तो गामा रेज की बीट यानी बेटर शील्ड जो है वो लीड है। डैश इज पोर्टेबल डिवाइस विच इज ऑपरेटिंग एट हाई वोल्टेज फॉर डिटेक्शन ऑफ आयोनाइजेशन पार्टिकल। हाई वोल्टेज है तो इसका मतलब होगा ये जिगर काउंटर है। उसके बाद क्वेश्चन है, फॉर ऑब्जर्विंग द बोन डिजीजेस डैश आइसोटोप्स इज यूज। तो बोन के लिए हम कौन सा आइसोटोप यूज करेंगे, कैल्शियम यूज करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज ऑफ रेडिएशन. तो रेडिएशन पोलिमराइजेशन में भी काम होता है, स्टरलाइजेशन में भी काम आता है, रेडियोग्राफी में भी काम आता है, एक्टिवेशन एनालिसिस में भी काम आता है. तो ऑल ऑफ दीज होगा, ये पास्ट पेपर में आ चुका है. रेडिएशन कैन काज, तो रेडिएशन ल्यूकेमिया भी कर सकता है, रेडिएशन सिकनेस भी कर सकता है, जीन म्यूटेशन भी कर सकता है. तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. लास्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेसिकली कंसिस्ट. तो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, तो इसका ऑप्शन बी होगा. इस तरीके से चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हुआ. तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हमारा एक चैप्टर रहता है, हो सकता है वो हम फिजिकली करें, या अगर फिजिकली नहीं हो सका तो फिर इंशाल्लाह हम जो है उस पोर्टल पे डिस्कस करेंगे. इसकी टेस्ट आपको पहले से ही मिल चुकी हैं और मैं कोशिश करूंगा कि पोर्टल पे भी अपलोड करवा लूँ. थैंक यू वेरी मच.